कृपया ध्यान दीजिए 12,900। हम हैं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। 100 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट के बाद अब ये स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का रूप कैसे बदला है, आइए आपको दिखाते हैं। दो मंजिला इस इमारत में घुसते ही पहले आपका बैग स्कैन होगा, फिर आप एस्केलेटर या सीढ़ी से इस कॉन्कोर्स पर पहुंचेंगे। ये वो जगह है जहां से आप 1 और 5 नंबर तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हैं और अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन में समय है या फिर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो इस स्टेशन पर साफ सुथरे वेटिंग रूम से लेकर डॉर्मेट्री की सुविधा भी है। यहाँ आप रात रुक कर अगले दिन की ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। एसी वेटिंग रूम मैन और एसी वेटिंग रूम वीमेन की जो सिटिंग कैपेसिटी है दोनों की 150 पैसेंजर्स की है। उसके अलावा एक VIP लाउंज है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो करीब करीब 30 लोगों की है। तो इस एयर कॉन्कोर्स पे जो टोटल बैठने की सुविधा है, 1100 पैसेंजर्स जो हैं वो इस एयर कॉन्कोर्स लेवल पे बड़े इत्मीनान से, आराम से, सुविधापूर्वक अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। अब बाकी जब पैसेंजर यहाँ वेट करेगा तो उसके लिए यहाँ पर रिटेल स्पेसेस का प्रोविज़न है। यहाँ पर हर तरह की दुकानें रहेंगी, जिस तरह से आप एयरपोर्ट के टर्मिनल्स में देखते हैं कुछ उसी तरह की सुविधाएँ यहाँ रहेंगी। स्टेशन और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ हर तरफ कैमरे लगाए गए हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस है। इस वक्त हम खड़े हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में। यहां से स्टेशन के हर कोने की मॉनिटरिंग की जाती है। ये कैमरे इतने शानदार हैं कि पार्किंग में रखी गाड़ियों के नंबर हो या फिर सड़क पार हो रही एक्टिविटी, इनके जूम से हर चीज पर नजर रखी जा सकती है। 150 TB के इन सर्वर पर 1 महीने तक की CCTV रिकॉर्डिंग रखी जाती है। इस स्टेशन की एक और खास बात है, वो है यहाँ की लाइट्स। स्टेशन पर दिन में प्राकृतिक रोशनी इतनी है कि लाइट्स की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म कवर हैं, जिसको हम कवरिंग ओवर प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्लेटफॉर्म का शेड बोलते हैं हम भाषा में, उनके ऊपर टोटल सोलर पैनल लगा रहे हैं जो कि करीब 1 से 1.5 महीने में जो है चालू हो जाएंगे। उन सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो इस स्टेशन की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कैटर करेगा, वो उसकी जरूरत को पूरा करेगा। नए अवतार में हबीबगंज रेलवे स्टेशन 80,000 यात्रियों की कैपेसिटी के लिए तैयार है। यहां आने और जाने वाले यात्री आपस में ना टकराएं, इसके लिए दोनों ही रास्ते अलग किए गए हैं। स्टेशन से बाहर जाने के लिए ये सबवे है। स्टेशन के बाहर के इलाके को 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जहां ऑफिस स्पेस और होटल से लेकर मॉल तक होगा। इसके अलावा यहां ऑटोमेटिक पार्किंग की भी व्यवस्था है। उसमें जिस तरह से आप जब एंटर करते हैं तो एक आपको कंप्यूटराइज टिकट मिलता है जिसमें टाइम रहता है, और जब बाहर जाते हैं तो वो उस टिकट को रीड करके और जो है वो आपको आपका पार्किंग का किराया बताता है, तो वो बूम बैरियर खुल जाता है। तो उस हिसाब से दोनों तरफ पार्किंग की भी सुविधा इस स्टेशन पे दी गई है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम जनवरी 2017 में शुरू हुआ था, जिसे जुलाई 2019 में पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के चलते इसका काम जुलाई 2021 में पूरा हो पाया है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।